आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि VLC मीडिया प्लेयर को नए तरीके से कैसे चलाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 90% जिनको VLC मीडिया प्लेयर तो चलाते हैं बट उसको नए तरीके से कैसे चलाया जाता है उसको ये ट्रिक पता ही नहीं है कि किस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर को नए तरीके से चलाएंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाऊंगा किस तरीके से आप VLC मीडिया प्लेयर को किस तरीके से नए तरीके से आप कैसे उसको यूज करेंगे, नए तरीके से आप कैसे VLC मीडिया प्लेयर को चलाएंगे। तो ये देखने के लिए कि कैसे VLC मीडिया प्लेयर को नए तरीके से चलाया जाता है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर को नए तरीके से कैसे चलाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर जो आप यहां पर देख रहे हैं इसको आप नए तरीके से कैसे चलाएंगे। ये जो है लगभग 99% लोग चलाते हैं VLC मीडिया प्लेयर बट सभी को जो है VLC मीडिया प्लेयर को नए तरीके से कैसे चलाएंगे वो चलाना नहीं आता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर को आप नए तरीके से कैसे चलाएंगे। यहां पर देखिए ये VLC मीडिया प्लेयर है, मैं इसको ओपन करता हूं। तो ओपन करते ही यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको VLC मीडिया प्लेयर ये ओपन होके आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर है इसको आप जो नए तरीके से कैसे आप चलाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं टूल्स वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेफरेंस का ऑप्शन है, तो प्रेफरेंस का शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+P। तब Ctrl+P डालिएगा तो भी आप जो है इस पर क्लिक कीजिएगा जो पेज ओपन होगा तो वो जो है यहाँ पर फ्रेंड्स पर क्लिक करके भी आप वो पेज इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको नए तरीके से VLC चलाने के लिए आपको बस एक सेटिंग करना है, वो सेटिंग है यहाँ पर देख रहे हैं यूज कस्टम स्क्रीन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका हाईलाइट शो हो रहा है कि जब भी आप वीडियो चलाइएगा तो कुछ इस तरीके से ही आपको वीडियो चलेगा VLC मीडिया प्लेयर में। चलिए हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको जो है मैं दिखाया हूँ उस तरीके से आपको चलेगा। चलिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और आपको एक बार इस तरीके से रिफ्रेश कर देना है। यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि ये जो VLC मीडिया प्लेयर है वो जो है नए फंक्शन में नए तरीके में यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये VLC मीडिया प्लेयर है और जो पहले था वो भी VLC मीडिया प्लेयर था और इसको मैं चेंज किया हूँ, नए तरीके में किया हूँ, तो ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब चलिए मैं कुछ अब यहाँ पर आपको वीडियो वगैरह चला के दिखा देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं अब यहाँ पे आपको वीडियो चला के एक दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपको VLC मीडिया प्लेयर में आपको वीडियो चलेगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि आपको कुछ इस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर में ये आपका वीडियो चल रहा है। किसी भी देश का वीजा कैसे चेक करेंगे ये जरा। तो यहाँ पर देखिए कुछ ये इस तरीके से आप जो है VLC मीडिया प्लेयर में इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे जो है आपका VLC मीडिया प्लेयर में ये वीडियो। चलिए मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से प्ले करेंगे बताइए तो वो बोलता है कि हमसे वीजा चेक करना नहीं आता है जबकि वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा मोबाइल चलाते रहते हैं। सो गाइस, दिखा आपने ये VLC मीडिया प्लेयर है जो आप नए तरीके से VLC मीडिया प्लेयर को आप इसमें चला सकते हैं इस तरीके से करके। ये जो है 90% लोग भी नहीं जानते हैं कि इस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर को नए तरीके में जो बदल के चलाया भी जाता है। तो अगर आपको फिर दोबारा से वैसा ही करना है तो सिंपली यहाँ से हम कट कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर लीजिए और फिर आपको पहले वाला में ही अगर आपको इसको करना है तो इसको पहले ओपन कीजिएगा। ओपन करते ही आपके सामने फिर उसी तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एक बार और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है इन्फ्रेंस का। जैसे इस पे कर्सर रखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ढेर सारा जो है ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, ये आप कंट्रोल प्लस पी डालिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूज इनवेट स्टाइल पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यूज इनवेट स्टाइल पर, और यहाँ पर आपको सेव वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव वाले पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको पहले वाला जो VLC मीडिया प्लेयर था उस तरीके में ही यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए जो आपको पहले वाला था वो उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है ओपन होके आ जाता है। सो गाइस, बहुत ही आसानी से आप VLC मीडिया प्लेयर को नए तरीके में चला सकते हैं। मैं जो हूँ ज़्यादातर जो है पहले वाला जो मैं आपको ऑप्शन बताया हूँ कन्वर्ट करके, मैं उसी तरीके में चलाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार लगता है हमें चलाने में। सो गाइस, आपने देखा किस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर को आप नए तरीके में किस तरीके से बदल के चला सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।